तो सांपों के बारे में मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं थी जब मैंने रेस्क्यू ऑपरेशन शूट करना चालू किया था। स्केल्स एंड टेल्स के रितेश और आशीष ये सब मेरे को मिले थे और तब हमने डिसाइड किया कि हम रेस्क्यू ऑपरेशन शूट करेंगे और लोगों को दिखाएंगे। तो उसमें से एक किस्सा ऐसा था, गांव में गए थे और वहां घर के आंगन में कुछ सामान पड़ा हुआ था उनका पुराना और उसके अंदर कौन सा तो भी सांप था। उनका ये कहना था कि वो शायद कोबरा है। तो हम यही सोच के वो रेस्क्यू ऑपरेशन चालू किया। धीरे धीरे आशीष सामान पड़ा हुआ था वो हटा रहा था और सडनली जब सामान का लास्ट जो पार्ट हटा, एक शीट थी वो हटाने के बाद नीचे कोबरा और रसल वाइपर दोनों सबसे जहरीले सांप सामने कुंडली मार के बैठे थे। मैंने सोचा